नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले को लेकर देश की सियासत गर्म हो गई है। एक ओर मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस भी उनके समर्थन में उतर आई है। शुक्रवार को संपूर्ण प्रदेश की तरह छतरपुर जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पंडाल लगाकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार साजिश के तहत बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर पंडाल लगाकर कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। साथ ही मांग की गई कि विद्यार्थियों की चिंताओं का तत्काल समाधान करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अनीस खान ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार छात्रों के हित में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी ने यह संकल्प लिया है कि विद्यार्थियों को न्याय मिलने तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं कांग्रेस की संभागीय प्रवक्ता दीप्ति पांडे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पूर्व में किसानों और महिलाओं को निशाना बनाया गया और अब यह सरकार देश के युवाओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में धांधली सरकार का षड्यंत्र है। दरअसल सरकार यह चाहती है कि देश के युवा शिक्षित ना हों और उनके द्वारा रोजगार ना मांगा जाए। इसके साथ ही जब युवा शिक्षित नहीं होगा तो वह जागरूक भी नहीं होगा, जिसका फायदा उठाकर सरकार अपनी मनमानी कर सकेगी। दीप्ति पांडे ने कहा कि जब तक देश में कांग्रेस के सिपाही हैं तब तक सरकार अपनी यह मंशा पूरी नहीं कर पाएगी। प्रदर्शन में जिले की इकलौती कांग्रेस विधायक रामसिया भारती, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सरमन लाल मिश्रा, राजनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नाती राजा, अभिलेख खरे, महिला कांग्रेस की डॉक्टर स्मिता खरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। जिलों पर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम, जो बच्चों की डिग्री और नीट की परीक्षा में जो खिलवाड़ हुआ है, जिनकी डिग्री का खुद का पता नहीं है, जिनकी डिग्री खुद फर्जी है, आदरणीय मोदी जी वो हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उस भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी और उन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगी। हम लोगों का धरना प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी की ओर से, और ये प्रदर्शन जो हुआ है, ये अभी नीट की जो परीक्षा, इसमें जो पेपर लीक हुए हैं, तो इसमें शिक्षा जो बच्चों के भविष्य का सवाल था और बच्चों के सब भविष्य का सवाल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचारी की जा रही है, कितने शिक्षा के स्तर को किस तरीके से देखा जा रहा है, कि इसमें तो कम से कम ये समझना चाहिए शिक्षा में कि हम इसमें यदि घोटाला करेंगे तो हमारे इस देश का भविष्य, हमारे प्रदेश का भविष्य कहाँ जाएगा, इतना तो कम से कम सोचना चाहिए था। पर मैं तो ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिसने ये पेपर लीकेज किया है उसके भी क्या कोई बच्चे हैं? उनके भी परिवार में बच्चे होंगे, उनकी भी बेटियां होंगी, बेटे होंगे, काश उनके साथ भी अगर इसी तरीके का दुर्व्यवहार किया गया होता तो आज वो कैसा उनको अपने मन में लग रहा होता। आज ये संकेत कुछ भी मांग नहीं है, पूरे देश की ये विडंबना है कि भारत में नरेंद्र मोदी जी ने किसान और महिलाओं के साथ साथ अब छात्रों को भी अपना निशाना बना दिया है कि ना छात्र पढ़ेगा, ना वो विवेकी होगा और ना वो प्रश्न करेगा, और स्वाभाविक है जब वो प्रश्न नहीं करेगा तो रोजगार नहीं मांगेगा, तो जुमलों की ये सरकार चलती रहेगी। तो नरेंद्र मोदी जी की जो शिक्षा मंत्री है, जिनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखना नहीं आता, वो ऐसे ही चाहते हैं कि भारत के छात्रों का भविष्य भी यही हो। इसलिए इस जो नरेंद्र मोदी जी ने, इस भारतीय जनता पार्टी की प्रचार प्रसार की सरकार ने छात्रों की रीढ़ की हड्डी पे, देश की रीढ़ की हड्डी पे जो कुठाराघात किया है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर है।